बहुत एडवर्सिटीज आई मेरे इस मुख्य परीक्षा में, बहुत एडवर्सिटीज।
परीक्षा दी मैंने, लेकिन परीक्षा में जितना मैंने टारगेट किया था उतने ही मार्क्स मिले हैं और इंटरव्यू बहुत बुरे नंबर मुझे मिले थे उस बोर्ड में, 82 मार्क्स मुझे मिले थे, उसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन हुआ और मंजिला मतलब मेरे रिटर्न में जो नंबर थे वो टॉप 10 में। सिर्फ एक सोच, एक धारणा, मैं आपको बेसिक चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, आप सब खड़े होकर के पढ़ाऊंगा। सबसे पहले यह बिलीफ लेवल हमारे अंदर होना चाहिए कि हम ये चीज कर सकते हैं। मेरी कक्षा का एक नियम है, मैं 4 बजे आ जाऊंगा और 4 बजे के बाद किसी को आने नहीं। दूसरा मेरी कक्षा का एक नियम यह है कि मैं ही बोलूंगा, आपको जो भी बोलना है लास्ट में आप उसको लिख के रखेंगे, आप मैं सारी मेरी इसको हिस्सा कर दूंगा, ठीक है। मैं कभी भी एज ए टीचर आपको नहीं पढ़ूंगा, मैं हमेशा एज ए स्टूडेंट आपको पढ़ूंगा, क्योंकि अगर आपकी जगह पर मैं होगा तो मैं जिस तरह से मैं भी आपके समय जो मुझे समय मिला मैंने उत्तराखंड का किसी से सिलेबस देखा, अभी देखा मैंने उसमें से 300 नंबर का भाग था। आपको पता है कि उसमें 40% लड़के ही कंपल्सरी पेपर क्वालिफाई कर पाते हैं, ऐसा आइडिया है आपको? तो सोचा हमने नहीं सोचा। इस जो पीसीएस का एग्जाम होता है इसमें से मात्र 40% स्टूडेंट ही जनरल हिंदी इंग्लिश और ऐसे का जो कंपल्सरी पेपर होता है 35% मार्क्स आपको लाने ही होते हैं, उसमें 60% लड़के फेल हो गए। हम कल्पना कर सकते हो क्यों फेल हो? सबको विलोम शब्द आते हैं, सबको पर्यायवाची आती है, नहीं आती। हम अधिकतर लोग गलत हिंदी में। दूसरी चीज एक बार आपसे और शेयर करना चाहता हूं इसी प्रक्रिया में कि यहां पर दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो वक्ता हैं और एक वो लोग हैं श्रोता हैं। हमको और आपको बीच से कौन बांधता है? वो बांधता है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। एग्जामिनर आपको तब तक नंबर नहीं देगा जब तक आपकी कॉपी को समझेगा नहीं, आपकी कॉपी को तब तक नहीं समझेगा जब तक आप एग्जामिनर के लेवल पर जाते नहीं, तो अपने पापा से आप बात करते हैं, पापा से आप अपने स्तर पर जाकर के बात करते हैं, पापा के स्तर पर जाकर बात करते हैं, पापा से कोई बात करनी करानी होती है तो उनको सेटिस्फाई करना जरूरी है। एग्जाम में हर बच्चा जो परीक्षा हॉल से आया है इंटरव्यू से लेकर के बाहर निकलता है वो ये कहता है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ। कभी किसी को कहते सुना कि पेपर एग्जामिनर को क्या अच्छा लगेगा? वो मैंने देखा। अगर आप इस सोच के साथ अगर अपना पेपर शुरू करें तो क्या माइनस होगा आपका? सोचिए आप जब ससुराल में जाते हैं या आपके घर परिवार आता है या ससुराल में लड़के लड़की घूमने जाते हैं, मतलब मेरा उससे मतलब नहीं, तो क्या आप उतने ही सामान्य ढंग से बात करते हैं या बड़ों के अकॉर्डिंग बात करते हैं? तो कॉपी हमेशा जीवन में एक सूत्र बनाइएगा, जीवन में सफल होना, सफल होना बहुत बड़ी बात नहीं है, पहली बात है सफल होना बड़ी बात। वो लोग बहुत महान होते हैं जो गलती करके सीखते हैं, उनसे ज्यादा महान वो लोग होते हैं जो दूसरे की गलती से। जीवन में यदि आपने एक मंत्र पकड़ लिया कि एग्जामिनर के माइंड से जो उसका होगा उसके हिसाब से मैं कॉपी लिखूंगा या लिखूंगी, नंबर तो उसको देंगे, कितनी अच्छी कॉपी हो, कितनी सुंदर कॉपी हो, कितना कन्विंसिंग फैक्ट हो, पर एग्जामिनर को वो चीज इसको नींद आएगी बैठी बात नहीं। और जिसको भी नहीं समझ में आएगा तो उसके जा भी सकता है, मेरे क्लास में तो बस 2-4-10 भी सफल हो जाएंगे, मैं मानूंगा कि मेरा पढ़ना या मेरा 1 घंटे सरकारी से मिल जाना सर। मैं आपको ऐसे उदाहरण बताता हूँ, जैसे आप सपोज करिए एक मैं एक जनरल क्लास की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपने स्त्री नारी का भी खराब है नारी है ना सर, क्या मेल का फीमेल का फादर का मदर का सास का ससुर का टीचर का ठीक है प्राइम मिनिस्टर का सोशल एक्टिविस्ट का क्या एक ही माइंडसेट हो सकता है एक ही विषय पर? पर आपको तो नहीं पता कि कॉपी कौन चेक कर रहा है, तो आपको नंबर कैसे मिले?
आप भरोसा नहीं करेंगे जब बैठक ये नहीं था पीसीएस का, तो एक मेरे जानने वाले हैं उनका सोने का 17 फाइनल सिलेक्शन है, ठीक है, वो जो स्टिप्स दी थी उस स्टिप्स को मैं फॉलो करता है, मुझे जो मार्क्स मिले जिन्होंने मतलब मेरा सिलेक्शन कराया, मेरे उस समय ऐसे का पेपर 150 मार्क्स का होता था, मेरे 119 मार्क्स थे, ठीक है। और जनरल इंट्री में मेरे 112 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, नॉर्मल नंबर बना होता है 60% लोग क्वालीफाई नहीं करते। मैंने सोचा, मैंने कुछ टेक्निक्स निकाली, मैंने सोचा कि अगर सपोज करिए कि एग्जामिनर निश्चित रूप से एक प्रीलिम से पढ़ा होगा, इसमें कोई डाउट है, आपके पिता की उम्र का एग्जामिनर होगा, तो आपके पिता के अगर वैल्यू सिस्टम जो है, अगर उन वैल्यू सिस्टम को पकड़ लें
कुछ क्लियर जी। इसमें से परीक्षित कौन कोई लड़का है आपके पापा ने बोला है? हाँ बताइए, इसमें बताइए क्या अंतर है, कभी सोचा? निबंध में जो भी निष्कर्ष आपको स्टेटस करना होता है वो आपको मन में रह सकता है। निबंध
कुछ कहते हैं नहीं, वन में आप जो सोचते हैं उसको देना, मतलब आपको रिस्टर्स आपको देना है। लेख में ऐसा नहीं होता, लेख में ये होता है कि आप तथ्यों का चयन करते हैं और वह तथ्य मतलब पहले आप खंडन करते हैं फिर मंडन करते हैं, उनके आधार पर जो रिस्टर्स स्थापित हो जाता वो लेख है। बेसिक डिफरेंस पता चल गया। निबंध में आप तथ्यों का चयन करते हैं, तथ्य चयन में आपकी स्वतंत्रता हमेशा होती है, पर निष्कर्ष स्थापित करना वैज्ञानिक पद्धति है। उन तथ्यों से जो भी चीजें आएंगी उनसे निष्कर्ष नहीं होगा। तो निबंध में क्या करते हैं, आप पहले से आपको चीजें पता होती हैं, उनके आधार पर आप जो जो उसमें प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है उन प्रश्नों को आप उत्तर देते हैं, फिर अपनी बात को एस्टैब्लिश करते हैं। लेख रूप की चीजें फैक्ट एंड फिगर आपने कलेक्ट किए और उनके माध्यम से जो निष्कर्ष स्थापित हुआ वो लेख है। तो निबंध और लेख का बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? इसकी परिभाषा किसी किताब में नहीं मिली, मिली अभी तक नहीं मिली, क्या आगे निबंध में आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें लिखी होती, अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही है, परंतु मेरी धारणा क्या ये अलग से धारणा मेरी वही हो कि मेरे पिता की उम्र का व्यक्ति जो धर्म जाति वर्ग लिंग भेद सबसे ऊपर हो, जो यूनिवर्सल हो, जो वैल्यू बेस्ड सिस्टम पर बेस्ड हो। एक तो ये बात हो गई। दूसरी हिंदी में हमने संविधान में कुछ आर्टिकल पढ़े होंगे, आप लोगों ने जीएस में पढ़े होंगे, संविधान में कुछ आर्टिकल आया उसमें हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा का अंतर जानते हैं क्या? सुना राष्ट्रभाषा राजभाषा मानव भाषा संपन्न भाषा क्या है राष्ट्रभाषा और क्या है राजभाषा? जो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम राष्ट्रभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा नहीं, जो बहुसंख्यक जो व्यक्ति वो तो संपर्क भाषा हो, प्रयोजन मुख्य भाषा हो, जो किसी कार्य द्वारा छोड़िए आप हमारे आप वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। 1950 संविधान को हमने इस समय लागू किया ना, समय वेस्ट ना करें। 1950 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमने जिस भाषा का राष्ट्रीय आंदोलन को चलाया वो राष्ट्र एकदम क्लियर। स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत के स्वतंत्र होने का संविधान की रचना के पूर्व हमने जिस भाषा में संपर्क किया वो राष्ट्रीय भाषा, ठीक। 1950 के बाद संविधान में आर्टिकल 343 से 351 तक जिस भाषा को हमने स्थान दिया वो राजभाषा, क्लियर हो गया एकदम बिल्कुल। राजभाषा, अब एक और समस्या इसमें है, समय बहुत कम है, एक समस्या और भी है। समस्या ये है कि विश्व की लगभग 6000 बोलियां पूरे विश्व में बोली जाती है, ठीक। तो हमने क्या किया, ध्वनि व्याकरण और शब्द रचना के आधार पर इन 6 बोलियों को हमने कंपाइल किया और 21 भाषा भाषी परिवारों में हमने बांट दिया, करेक्ट, ग्रुप बना दिया। उन 21 भाषा भाषी परिवारों में 4 भाषा परिवारों से भारत में ही प्रचलित है। तो जब 4 भाषा परिवार भारत में प्रचलित है उनकी ध्वनि व्याकरण और शब्द रचना अगर अलग है तो दोनों में एकता नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों की मां दोनों की जननी अलग है। तो क्या होगा, पड़ोसी कभी मां नहीं हो सकती, मां कभी पड़ोसी नहीं हो सकती, तो पड़ोसी से मां जैसे संपर्क आंतरिक स्तर पर तो नहीं कर सकते, व्यवहार के स्तर पर कर सकते हैं, इसीलिए हम इंग्लिश की बात करते हैं। तभी त्रिभाषा कानून आया था कि हिंदी को इंग्लिश से, इंग्लिश को हिंदी से, हम आपस में त्रिभाषा कानून ला, लोग मराठी सीखे, लोग साउथ की भाषा सीखे, साउथ वाले हमारा इस इंग्लिश है। और भाषा ही संप्रेषण का माध्यम है, अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो राष्ट्रीय एकता भी नहीं हो सकती। अगर मैं बोल रहा हूँ वो लैंग्वेज जो आप समझ ही नहीं पा रहे, तो हमारी आपकी बातचीत कितना भी अच्छा टीचर हो, तो कितना भी खराब टीचर हो, मेरी आपकी बातचीत आपने जो बात कही थी, जब हम संपर्क करते हैं वो संपर्क भाषा है, जब हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए खाओ बगल गरो मगन गाड़ी चलाने का रखे सब्र पूछ जाएगी आपकी कब्र, हम दो हमारे दो डांडा के बिना कमाल कर दिया, ये विशेष व्यापारिक लैंग्वेज कहलाती है। तो जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई जो हमने राजभाषा बोली, प्रयोजन मूलक भाषा किसी प्रयोजन विशेष के लिए
हम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं दैट्स मूलक भाषा, संबल भाषा, मानक भाषा एक अलग प्रक्रिया है। भाषा में कहते हैं जो कहा जाए, जो पढ़ा जाए, समझा जाए, बोला जाए, ठीक है, पढ़ा जाए, बोला जाए, समझा जाए, एक मानी दैट इज मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है कि हम जो बोले वही आपको देनी पड़े। इसमें से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि पहली बात तो भाषा ग्रह मंत्रालय के अधीन आती है, बहुत ही सेंसिटिव विषय होता है भाषा, राष्ट्रीय एकता को बात की। उन्होंने कहा कि अलग अलग समय में आयोग बने कि जो पूरे भारत में चार भाषा परिवार है, ये चार भाषा परिवार आपस में इनको एक भाषा राष्ट्रीय सूत्र में बांधने की आवश्यकता है, क्योंकि समय समय पर जो भाषा में द्वेष होता है आपको उन्हें याद है कि आपकी मादर से कभी ऐसे दिन थे, आपको याद नहीं होगा, ऐसे कभी याद ऐसे क्या किया कि द्विरूपता हो रही थी इसमें से, आप हिंदी गलत लिखते हो इसलिए ऐसे कहता था। 1993 तक आते आते मानक हिंदी वर्णमाला बनाने के लिए मानकीकरण के विभाग द्वारा निकाला गया, उन्होंने कहा कि सब भविष्य में जो भी हिंदी लिखी जाएगी उसको इसी तरीके से लिखा जाएगा, उसके अलावा जो भी हिंदी लिखी जाएगी वो गलत हो। जैसे मैं आपको पहले उदाहरण से बताता हूं, बात करता हूं, हम लोग चिन्ह को ऐसे लिखते हैं, गलत लिखा हो बताइए, ऐसे लिखते चिन्ह, इसमें कोई गलती है, कोई गलती है, है? मुझे भी पता है नहीं, हम लोग अब की लिखते हैं, कोई गलती है, पर ये दोनों गलत, ये दोनों गलत। आप परीक्षा में मेंस कॉपी लिख रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपसे भूल क्या हो गई और आपका नंबर हिंदी का टीचर काट देता है, इस तरह का फेल हो जाता है। ऐसे ही इसे कुल में अपनी गाड़ी से घर जा रहा था, एक आदमी मुझे साइड से आ रहा था, रात का समय था, गुस्सा आया मुझे कि वो टर्न पर था और अधेरा था, नहीं रहा गया, मैं नॉर्मल गुस्सा करता नहीं हूँ, मैंने कहा तुम मरने से डर नहीं लगता गाड़ी को, उसने कहा गलती क्या हुई, मैंने कहा तुम्हें नहीं पता क्या, उसे पता ही नहीं है कि राइट कैसे चलना है, लेफ्ट कैसे चलना है, कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, कहाँ मैं गलत नहीं कर रहा। तो जब भाषा ही गलत है तो हिंदी में आप पास क्यों होंगे, हिंदी में पास ही नहीं करना है, हिंदी को अपनी स्ट्रेंथ भी बनाना है। आपको नए कपड़े, नए कपड़े अब या लगाए ए लगाए, चाहिए चाहिए, नई कविता, नई कविता, ई लगाए या लगाए, आपको पता ही नहीं, आप समझ रहे हैं टेक्निकल से, हिंदी इतनी आसान भी नहीं है अगर आप होंगे तो। उन्होंने कहा साहब हिंदी के भविष्य में जो भी वर्ण है, वर्ण है स्वर और व्यंजन के रूप में, उन्होंने कहा का से लेकर के सब का का आ रहा है, यस सर आता है, यस सर। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बात कहूं, का खा दा धा करेक्ट, इसमें आप दो चीजें देखेंगे, इस ये जो आपकी लाइन होगी दैट इज खड़ी पाई, खड़ी पाई, खड़ी पाई, ओके, खड़ी पाई, खड़ी पाई, उन्होंने कहा भविष्य में जो भी शब्द लिखे जाएंगे, शब्द की परिभाषा जानते हैं, वर्ड सब वर्ड, दो या दो से अधिक वर्ड, हाँ तो शब्द है, नहीं शब्द उसका अलग अर्थ हो, जिसका सार्थक अर्थ हो, साक्षरता की परिभाषा है, हलंत लगाना है, कहने का मतलब अगर आप ऐसे लिख रहे हैं
मालिक रहेंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको लगा होगा कि नहीं, पर चिन्ह तो होता नहीं है, चिन्ह नहीं होता, चिन्ह चिन्ह ही होता जी हाँ ना। अगर इसको ऐसे लिखा जाए कि जी हाँ मैं खड़ी बाई का काम कर मदद मेरा क्या बनाएंगे चिन्ह, तो पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे है एग्री। ये गलती आप कर रहे हैं। अब तो ये तो आपने लिखा आधी बताइए, ये लिखा कुछ है पहला वाड़ा दाफुला ये तो लिखा, पर ये क्या है तो क्या अद्वितीय है नहीं? अगर आप इसको नहीं लिखा आप पढ़िए तो सही क्या है, गलत क्या है, क्या सही है क्या? आप समझ रहे हैं कि कहाँ हो रही है? ये किताबों का तो विषय है ही नहीं, इसको बहुत सारी चीजों का फोकस करना पड़ेगा। विद्या आप तो भूलने में लगा होगा सर, ठीक है विद्या ऐसे लिखते हैं विद्या, पर हमें अगर ऐसे लिखे तो सही पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे है एग्री? तो इस बात पे आप सहमत हुए या असहमत हुए? मैं अपनी बात से ऊपर लिख दूंगा, आप लोगों को दिखाई पड़ेगा, नहीं तो आप थोड़ा नीचे भी बैठ सकते हैं। तो आप सहमत हुए या असहमत हुए इससे? पहली गलती हुई, ठीक, यानी हमें हिंदी ठीक करनी होगी। अच्छा दूसरी चीज अच्छा आप बात नहीं की, शब्द पर जो मैं बात आपसे कर रहा था, हिंदी में जो भी शब्द आए हैं हिंदी कहते हैं, हिंदी की तब विकास आप नहीं जानते होंगे शायद, ये जानते नहीं होंगे। सबसे पहले हम कहते हैं हिंदी और लैटिन भाषा जो है उससे हमारी समानता है, ठीक है। सबसे पहले हिंदी वैदिक संस्कृत के रूप में सामने आई, वैदिक संस्कृत से फिर हम जब इतिहास पढ़ने नहीं जाऊंगा तो वैदिक संस्कृत के बाद हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के पीरियड में 6th सेंचुरी बीसी की बात जब करते हैं तो हम पाली और प्राकृत के रूप में आते हैं। गुप्ता पीरियड में जब हम आते हैं तो हम लौकिक संस्कृत वैदिक जिसमें वेद लिखे गए, लौकिक माने इस की लौकिक संसार में जो ग्रंथ चित्रित जैसे कालिदास के जो ग्रंथ हैं है ना, संसार वेद दूत और संज्ञान संज्ञान के अनुसार ग्रंथ है। मैं तो रिलेट को करके मन में लिया था तो मैं एक आप और मतलब देता हूँ यहाँ पर। जब आप गवर्नमेंट लेवल पर वाइस आए का सवाल तो आते हैं सर, हमें हमेशा बोलते हैं हमने एक मंत्र बनाया कि वहां में कासो देखा वहां में है वे में आए होते कि अल्लाह में नाजरी रहा के लिए कहा के लिए पहले व्यवहार सारे हमारे गवर्नमेंट लेवल पर वाइस आए क्या हो गया, ठीक। ऐसे फॉर्म में आपको बात बनाने पड़ेंगे, आपको याद रहेंगे जिंदगी भर आपको, ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा साहब हिंदी में जो शब्द आए वो पोस्ट पोस्ट में बदले पानी चार पोस्ट में पानी, तो इनका हिंदी में जो शब्द आए वो कहां से आए? तत्सम प्राप्त तद्भव देशज विदेशज एक और हमारे पास रूढ़ योग रूढ़ यौगिक या और कुछ हो नहीं है, यही तो आए हमारे पास शब्द, यही तो आए। ये ठीक है, यहां पर बायोमेट्रिक लगवाना चाहिए आप हमारे कोई भी क्लास मिस करेंगे कोई भी मिनट मिस करेंगे तो आपको उतनी गलतियां करके परीक्षा में सफलता मिलेगी, क्योंकि ना तो हम प्रोफेशनल टीचर ना हमारा टीचिंग पर्पस है, हम बहुत अच्छे मोटिवेशनल लेक्चर भी ले सकते हैं और आपसे सभी विषय पर बात कर सकते हैं, इतना ज्ञान है, पर एक मिनट आप सिर्फ हमको इस तरीके से दीजिए हमारे लेक्चर को कि बी एज स्टूडेंट मैंने क्या अपने चेंज किया और क्या मुझे कर दिया, क्यों मेरे नंबर 80 से 112 115 120 हो, क्यों निबंध में कौन सी चीज मैंने चेंज की, ठीक है। उन्होंने कहा साहब जो शब्द है तत्सम, आपसे कहा शब्दार्थ लिखिए आते हैं इस शब्द का अर्थ लिखिए, अब आपसे पूछा वेदना, कितना वेदना, वेदना माने क्या होता है, दुख होता है, नहीं होता है, तकलीफ परेशानी ग्लान ये तो सब होते हैं वेदना, पर ये तो गलत ही है, वेदना का कोई मतलब ही नहीं होता वेदना शब्द। अब मैंने क्या कहा वेदना शब्द बेसिकली विद धातु से बना है, धातु
जितना हमारे ज्ञान और अपने दोनों पर जोड़ दीजिए उसमें एग्जाम्पल काट दिया। मैं आपके जो आई जमीन की है ना उसको निकालने की आज कोशिश कर रहा हूं उसे, समझ रहे हो? तो ज्ञान की अनुभूति ही वेदना है। तो अब इसको कैसे हम करेंगे ये तो समस्या होगी। हम पार्थ बहुत है शब्दों में से, जैसे शब्द समालोचना कीजिए, बड़े लड़के पूछने साहब परीक्षण समालोचना आलोचना और क्या क्या शब्द होते हैं, परिकल्पना और परीक्षण और धुले मिले बनते कुछ बचे। अब समालोचना और आलोचना में क्या अंतर होता है? कभी सोचा? जब सवाल की थीम ही आप नहीं समझेंगे तो सवाल का नंबर कैसे मिलेगा आपको? आपने आलोचना जैसे निबंध को लेख में कर दिया, समालोचना और आलोचना में अंतर ही आपको नहीं पता। आ माने पढ़ता, लोचन माने होता है देखना, तो किसी चीज को समग्र रूप में लोचन करना यानी गुण दोषों का विश्लेषण करना, दैट इज आलोचना। आपने लोचन किया, आपने किसी चीज को देखा, देख करके आपके मन में जो बात आई आपने लिख ली। पर समालोचना में जब सम्यक रूप से यानी परिता सभी तरफ से अगर आप उसको लोचन करें यानी सभी पहलुओं आप देख करके दैट इज समग्र आलोचना इज समालोचना। बेसिक तरीका सबको पता चल यही पता है कि नंबर तो मिले। अब ये तो किसी किताब में मिलता नहीं है, ये पता भी नहीं चलता आपको नंबर आपको। अब मैंने आपको कहा कि जब भी आपको कोई शब्द मिलता है शब्दार्थ में ये देखें ये सब मूल रूप से कहां से जन्मा, क्या ये तत्सम से आया, तद्भव से आया, देशज से आया, विदेशी से। अगर वहां पर उसका जो मूल अर्थ होगा रूढ़ अर्थ होगा दैट इज आपका शब्दार्थ होगा, करेक्ट क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? और कहीं पर मुझसे असहमति हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, हाँ उठा दीजिएगा मैं आपकी बात तुरंत उसी से समझूंगा, ठीक है? अब आपका भावार्थ का विषय पर आते हैं। हमारे पास का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देते हैं हिंदी, क्योंकि हम लोग तो आज ब्रांडेड लेके चलते हैं, हिंदी का टीचर भी वैसे ही होगा जैसे पिक्चर में दिखाई होता है, ठीक है? आप दूसरी चीज आप दीजिए भावार्थ। हाँ, मेरे जब मैं शुरू में आया हूं तो आपको मन में भाव हो गया हिंदी पढ़नी है यार, क्योंकि हिंदी से लिए पढ़नी है, बाद में तो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा हुआ इसलिए हिंदी पढ़नी, ठीक है? एक जनरल परसेप्शन हिंदी क्यों पढ़नी है, बचपन से हिंदी पढ़ते चले। तो एक किसी भी चीज में किसी भी जो भी स्थूल या सूक्ष्म मनोजगत है उसमें से एक विषय आता है, उस विषय पर हमारी जो इंद्रियां हैं पंचेंद्रियां हैं वो एक ब्रेन को मैसेज देती हैं और ब्रेन हमको वो चीजें डिलीवर करता है, दैट इज हाउ। कभी हम देखते हैं कि किसी कुत्ते का एक्सीडेंट होकर के हमको दुख हो जाता है, कभी किसी भिखारी को देखते हैं बहुत हो जाता है, कभी शादी ब्याह में जाते बहुत उत्साह हो जाता है, जो रस हमारे नवरस। तो भाव जो आप उस पैराग्राफ को पढ़ करके जो भाव आपको मिलता है वो भाव है, जो किसी विषय को पढ़ करके जो आपके भाव की अनुभूति हो दैट इज एकदम क्लियर। व्याख्या क्या? इस क्लास में बहुत सारे लोग हैं, एक ही विषय है, सबके भाव अलग अलग हो सकते हैं, तो आप अपने भी भाव लिखें और अलग अलग दूसरों का भी भाव लिख दें, दैट इज व्याख्या। एक ही विषय को कांग्रेस बीजेपी सपा बसपा सारी पार्टियां अलग अलग तरीके से व्याख्या नोटबंदी व्यापारी अधिकारी सभी का आम अलग अलग, ठीक है? व्याख्या क्लियर हो गया। अब पहला विचार हम आपको आगे बताएंगे कि आप यह चीज तो मैंने आपको बता दी कि पर इसको कैसे हम चेक करेंगे कि हम गलत ना, ठीक है? सारांश और संक्षेप में क्या होता है? सारांश और संक्षेप में एक बेसिक डिफरेंस होता है कि सारांश में आपने विषय पढ़ा उसको आपने अपने शब्दों में या उसके भी शब्द आपने चोरी कर लिए और कनेक्टिंग वर्ड कंजंक्शन वगैरह जो आपने उसको डिलीवर कर दिया और पूरा मतलब हो सकता है उसमें कोई भी पैराग्राफ वर्ड में कोई शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, करेक्ट? सारांश में पढ़ा समझा और अपने शब्दों में उसे लिख दिया, 1/3 ऑलरेडी 40% के 1/3 कहते हैं, इससे बहुत ज्यादा इसमें जैसे स्टूडियो में भी कह रही है इसके ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, कॉपी अंडरलाइन करो मत करो नीचे में डाल, ठीक है? संक्षेपण में आपको ये समझना है कि संक्षेप
इलेक्ट्रॉन में कंप्रेस करना, ऐसा जैसे आप बार्बी डाल देखते हैं, बार्बी डाल देखते हैं सभी के घर के बच्चे होंगे बार्बी डाल, उसको खेलने को मिली होगी, उसको नहीं मिली होगी, तो बार्बी डाल में क्या होगा, एक बार्बी डाल आप देखते हैं तो उसका सिर का भी प्रोपोर्शन होता है, पैर का भी प्रोपोर्शन होता है, उसमें विसंगति नहीं होगी कि सिर बड़ा हो जाए पैर छोटा, तो उसको मिनिएचर बना देना होगा, ऐसे कंप्रेस कीजिए कि सर्वांग समता का नियम उसमें लागू है, सभी अंग का रोल भी हो और उसी प्रोपोर्शन में छोटे, मतलब अगर मोटू पतलू का कैरेक्टर लीजिए तो मोटू पतलू ही लगे छोटा ढूंढने लगे, समझ गए, तो संक्षेपण का तरीका हम आपको बता देंगे कि संक्षेपण में क्यों कैसे ये गलती होगी, ठीक है, यहां तक कोई असुविधा किसी डर तो नहीं आप लोग, संक्षेपण हो गया सारा आंसर शीर्षक हम लोग परीक्षा से बाहर निकलते हैं 30 नंबर का अपने दादा बड़े खुश होते हैं यार मैंने शीर्षक तुमने क्या लिखा कितने शब्द लिखा बोले मैंने 5 शब्द लिख दिया है अरे कहां 5 शब्द दो शब्द लिखा था ऐसे बात करते हैं बोलते हैं तुमने क्या लिखा चलो तुम्हारा भी सही मेरा भी सही नहीं हो सकता और अगर शीर्षक गलत है तो इसका मतलब आपने पैराग्राफ नहीं समझा एग्जाम्पल सीधी लाइन काटकर ने कॉपी किया देखिए सीधी लाइन काटता है और जीरो कर देता है जब तुम्हारे चलते शीर्षक ही नहीं पता आपको शीर्षक गलत नहीं हो सकते तो इसका मतलब आपको उसकी व्याख्या के बाबा आपको समझ में आए इसी लड़का हिंदी में फिर वो लगो रटता रहता विवंशल आकाश का पाताल निर्वचनी का निर्वचनी परंतु सारा गेम इसके बाद एक विषय और आता है लेटर्स भी आते हैं हमें जो लेटर्स का लास्ट में हमने तो बड़े मशक्कत की किताबों से गलत मिलता था सच्ची बात है दोस्त हुआ करते थे उस लेटर को मैं ऐसे संभाल के रखा कि जैसे भोजपत्र को संभाल के रखते हैं क्योंकि बिल नहीं संभाल तब हमको समझ में आया कि लेटर ले दिया सेवा में अगर तुम लोग लेटर कैसे देते सेवा में मैं आपको गलतियां बता रहा हूं तो आज कुछ लोग लगातार समझ में नहीं आता बहुत मेहनत करने के बाद सेवा में जिलाधिकारी हरिद्वार ठीक है ऐसे लिखते लेटर परंतु आपको ये ध्यान ही नहीं देते सेवा में के बाद कमा लगा हिंदी का मास्टर तो बैठे इसी के कमा नहीं लगा वो कमर काट देगा आपके ठीक है इसके बाद कहा जाना चाहिए जिलाधिकारी हरिद्वार हरिद्वार पूरे ग्राम करना चाहिए हाँ एक चीज आप सेट है ग्राम चिन्हों का उचित प्रयोग पूर्ण विराम अर्ध विराम अल्प विराम उद्धरण चिन्ह योजक चिन्ह और बहुत सारे ऐसे सारे चीजें है ना जब हमारा मन आता है जैसे मैंने लिखा गंगा एक अति पावन नदी है करेक्ट हमने लिखा है गंगा को हाईलाइट करना है हमने यहां पर डबल इनवर्टेड कॉमा लगा पता ही नहीं है कि सिंगल इनवर्टेड कॉमा कहां लगेगा और डबल इनवर्टेड कॉमा कहां लगेगा अक्सर गलती करते हैं कभी ध्यान दिया इस पर कि डबल इनवर्टेड कॉमा कहां लगेगा कहां पर अर्धविराम लगेगा कहां पर योजक चिन्ह लगेगा ये बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं जिसकी वजह से हम परीक्षा में सक्षम और योग्य होते हुए भी हमसे क्वालिफाई नहीं हैं करेक्ट तो आपको ये हमारे साथ एक वादा करना होगा कि हमारी क्लास में से कोई बच्चे से मैं अपेक्षा करूं कि वाकई अगर आपकी निष्ठा है आपको भरोसा है और आप वाकई विलिंग हैं तो उस क्लास में आने पर आपको फायदा होगा अन्यथा आपको फायदा नहीं होगा एक या तो आप भरोसा करिए या भरोसा आप नहीं करिए समझ गए मैं यहां पर भरोसा कर रहा हूं वासुदेव नंदन प्रसाद साहब की मैं की बात कर रहा था डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अलावा जितनी किताबें हैं सब में सब कुछ अच्छा है पर आपका काम उसे चल जाए मैंने इस आधार की किताबें पढ़ी थी लगातार एक कोई पढ़ लेता तो ठीक है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की हिंदी व्याकरण की नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं
300 नंबर पे और ऐसे में मेरे तीन ऐसे हो लेते 119 नंबर पे बहुत नंबर पे बैठ गए बहुत बहुत से नंबर पे और तब जब मेरे बच्चे की परीक्षा के लिए तबियत डेथ हुई मतलब मैं इसलिए इसलिए मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं बहुत सारी चीजें ऐसी हुई उस अवधि में परीक्षा दे रहे थे तो मेरा कहना है बस आपसे सिर्फ इतना था कि 15 120 19 80% नंबर हो गए अब जरा कल्पना करो यदि आपका पेपर समझ गया और 300 नंबर का पेपर और 300 नंबर के पेपर में 45 नंबर की सिर्फ इंग्लिश है अगर आप इस पेपर को आइडिया के लिए सोचे 70% तो कितना होगा 321 210 नंबर 210 नंबर अगर आ जाए तो आपकी लड़ाई तो वैसे ही ये खत्म होगी मेरी सफलता के मंत्र और मैं आपको बता दूंगा जैसा कि मैंने उदाहरण भी दिया था कि अपने हॉबी कैरम का और किसका उदाहरण दिया
जितना आप उन बातों को जैसे जैसे लेवल पढ़ता जाएगा आप समझते जाएंगे उन बातों को। ये जब तक तुलना कैसे करेंगे, तुलना जब तक नहीं आप सीखेंगे, तुलना की पहला मीटर जैसे हमने कहा हमारी विदेश नीति पाकिस्तान के साथ संबंध में लिया, तो हमारा मन किया तो अच्छे संबंध है, हमारा मन किया बुरे संबंध नहीं, पहला मीटर है हमारे विदेश नीति के उन पैरामीटर पर हमको रखना पड़ेगा। इंडिया आपको जो पैरामीटर बोलेंगे वो चीज आपको सीखनी जरूरी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं और इमीडिएट आपको फ्रेमवर्क की जरूरत है। फ्रेमवर्क मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है, मैं आपको सवालों की फ्रेमवर्क करना सिखा दूंगा, थोड़ा सा होमवर्क आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कोई एक ले लो, यस यस, इसका फायदा आपको जनरल हिंदी से लेकर के आपको सभी शिक्षण पर मिल जाएगा। ठीक है, इसको मिल जाएगा आर दिस इज पर्सनल बैंक से आ जाएगा, तो आप आए की सही है तो आई नेक्स्ट में लेके फिर मैं तो मेरा ये कहने का आशय आपसे आज हुआ, बट प्लीज हां थोड़ा सा पढ़ के मेरा ये कहने का आपसे आशय हुआ, सफलता और असफलता में कोई अंतर नहीं होता, बिलीफ लेवल का और कंसिस्टेंसी का होता है। आपका बिलीफ हो, आपका विजन हो और आपने कंसिस्टेंसी हो, अगर ये तीन चीजें आप में हैं आप सफल होंगे। ठीक है, और अब कोई बात अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं एक दो मिनट प्लीज आ जाए, प्लीज मुझे अच्छा लगेगा, मैं अपने ऑफिस में भी किसी को बुला लेंगे सर प्लीज सर नहीं नहीं प्लीज सर। अच्छा, कोई भी आपके मन में आप कोई प्रश्न हो, कोई एक्सपेक्टेशन हो तो आप मुझे अभी बता दो, मैं अगले लेक्चर के लिए जब भी आऊंगा तो मैं आप उसके लिए प्रिपेयर हो सकते। आज भी बहुत सारा लाया था पढ़ने के लिए पर मैं मुझे लगा कि शायद सच तो नहीं ये जा रही, कोई भी चीज आप उसके लिए एक्सपेक्ट करते हो कोई उम्मीद कोई कोई मतलब कोई असहमति हो तो भी बताइए, कोई शंका दोनों की सैलरी में
जरा ये कैलकुलेट करना तभी तो आज हम जाकर के होमवर्क दे जा रहा हूँ कि एक ये कैलकुलेट करना कि 8 साल नौकरी के अगर आप लेट नौकरी ज्वाइन करते हो तो जब आप रिटायर हो जाओगे उस समय आप सैलरी क्या मिलती है, आप उस 5 साल में सैलरी डबल हो जाती है, 6 साल में जितनी मुझे तनख्वाह मिलती है उससे डबल हो जाती है, 3 गुनी भी हो जाती है, करेक्ट। यदि आज मान लीजिए सपोज करिए बता रहा ठीक नहीं है जो भी सैलरी मुझे मिल रही है तो उससे 3 गुनी सैलरी, तो आप गुणिए करके किस साल में आप होंगे और आप 60 ईयर्स में रिटायर होने वाले हैं तो 40 साल सेवा करेंगे, जब 35 से 40 साल का बैच होगा तो आपकी सैलरी आपको वापस पूछ लेना 300-400 गुनी तो सैलरी हो गई होगी ना उनकी रिटायरमेंट के साथ, करेक्ट। तो अगर आपको आज अगर 70,000 रुपये सैलरी मिल रही है तो रिटायरमेंट के समय कितनी मिलेगी, और 5 साल में आप डेटिंग का ज्वाइन करोगे वो रिटायरमेंट के समय पर मंथ में समझ लो 20 लाख की सैलरी हुई, तो जरा जोड़ना 5 साल ना सिलेक्शन होने के उस सैलरी का क्या कीमत होगा और प्रतिदिन आपके एक दिन होने की क्या कीमत होगी। विश्वास। थैंक यू।